शहरे यारे इरम ताजदारे हरम शहरे यारे इरम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा मदीना में लास्ट डे है, हमने चेकआउट वगैरह कर लिया है, तो अभी जाते जाते हम लोग आए हैं मस्जिद कुब, तो अंदर चलते हैं और नफिल वगैरह पढ़ते हैं। कि यहाँ पे दाना ओके कितने का है, पाँच रियाल का भी है, ओके थैंक यू। कबूतर को डालने के लिए दाना भी ले लिया है, अभी डालें या ऊपर जाके वापस आके डालें अभी पता नहीं, देखते हैं सोचते हैं। चलो आगे चलो। और ये है मरियम बूटी, ये क्या है, मरियम बूटी भी नबी बूटी, नबी बूटी ना, ओके नबी बूटी बूटी मेहंदी। तो बाद में दाना डाल देंगे, अभी बस ऊपर चलते हैं। दुआ संभाल के रखना। यहाँ पे दाना डालना है। जेंट्स का है और इस तरफ लेडीज का है, तो हम लोग इधर जा रहे हैं। चलो दुआ जल्दी पैर बढ़ा लो अपने बेटे। इधर आओ, वो वॉशरूम गए हैं। चलो इधर आ जाओ, इधर 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 उठा लो, जल रहे पे। इधर इधर आके मेरा बेटा, इधर आके उठाओ बहन की भी चप्पल उठाओ। हम मस्जिद कुबा अंदर आ चुके हैं, बस बच्चों को ये हो रहा है जो कबूतरों के लिए दाना लिया है, बस किसी भी तरीके से हम वो डाल दें, बाकी आप काम शम रहने दें। बच्चों को कुछ भी ऐसी चीज़ हो ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। मुझे सुबह सुबह हो गया है बहुत ज़्यादा एक एलर्जी अटैक, दूसरा गले में दर्द बहुत ज़्यादा हो गया। अब बस यहाँ से तो सीधा जद्दा ही जाना है, तो वहाँ जाके ही अब दवाई वगैरह लेंगे। मस्जिद कुबा में दो नफिल पढ़ने का जो सवाब है वो एक उम्रे के बराबर है, तो हमने कहा जाते जाते यहाँ पे भी हम ज़रूर जाएंगे, क्योंकि बार बार इतनी जल्दी मदीना आना नहीं होता। अब तो बस पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हाउ आर यू बस्मा, यल्ला कम बेबी। बच्चे जब बच्चों से मिलते हैं ना तो इस तरह क्रेजी हो जाते हैं कि बस। अच्छा, अल्ता लाओ बहन को दूँ।
ये मस्जिद के बाहर ही इस तरीके से इन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। एक तो अंदर था दानी वाला, और जब हम मस्जिद में एंटर हो रहे थे तब मैंने एक पैकेट यहाँ से लिया था। अम्मा आप खजूर ले रही है? एक किलो। ये कितने की दे रहे हैं? ये 20 बोल रहे हैं, मैंने 15 बोली तो हाँ मान जाएंगे। पाकिस्तान इस्लामाबाद क्रैश हो ना कराची माशाल्लाह। प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा, जो गाड़ी में पानी है वो तो गर्म होगा, अभी ठंडा लेना पड़ेगा। मेहंदी इसको कितने का है? एक बुदीना एक दाना 10 रियाल। नहीं कम करो। शुक्रन अफवन अफवन तशक्कुर। दुआ पकड़ो। आज हम मदीना के सारे पौदीने लूट लेंगे, ड्राई वाले भी दूसरे वाले भी, है ना? ये ना नॉर्मल लोगों को नहीं पता। ठीक है। मदीना का जो पुदीना है कहते हैं इतना फेमस है और इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो मैंने मस्जिद कुबा के बाहर से ड्राई वाला भी लिया था और यहाँ से भी लिया, और सीरियसली इसकी जो खुशबू है वो इतनी वाव है कि खानों में चार चांद लगा देती है। और कॉल आ रही है ना तुम्हें? नहीं नहीं हाँ अब यही करना पड़ेगा। मैंने एक चीज़ नोट की है कि मदीना में हमने कहीं भी मैंगोज नहीं देखे, मैंगो हमें नज़र नहीं आए हैं। जिस तरह सीज़न आते ही जद्दा में मैंगो की बारिश हुई है और मैंगो नहीं नज़र आए। मैंने आपको जैसे बताया पुदीना के बारे में, आपने देखा होगा कि मदीना का पुदीना बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जब भी कोई आए तो ज़रूर बाय करें, यहाँ का पुदीने में खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। उधर से मैंने ड्राई लिया था यहाँ से, और रास्ते में अभी हमने हाईवे पकड़ा है तो यहाँ पर ये इस तरह का एक स्क्वायर बना हुआ सा आया था, तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लाइन से पुदीने। जी आपके पास क्या है? नॉन स्टॉप ड्राइविंग की है, कहीं नहीं रुके, बस अभी एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं, यहाँ से पेट्रोल वगैरह फिल करवाएंगे और कुछ खाने के लिए लेंगे। 5:30 हो रहे हैं और हम लोगों ने लंच नहीं किया है अब तक। पेट्रोल पंप और यहाँ पे ये सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, तो आई थिंक साई अलबेक लेने के लिए गए हैं क्योंकि साई ने कहा कि इस वक्त कोई ऑप्शन अलबेक ही है। मैंने कहा पता चले जैसे जद्दा वगैरह में अलबेक पे तबाही का रश होता है, यहाँ तो नहीं है, तो चले सुबह हो जाए, ऑलरेडी बहुत देर हो गई। तो कहाँ नहीं, तो अब एक ये दुकान दिखी है वेरी हंग्री कैफेटेरिया, तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ से कुछ पीने के लिए ले लूँ, कोई जूस वगैरह। एक्चुअली गाड़ी भी क्लोज नहीं है। ये मैंगो शेक है? मैंगो कितने का है? 10 रुपये। स्ट्रॉबेरी और ये मोसाकल है। थैंक यू। तो ये मैंने ले लिया। अब हम इन सब चीज़ों को डस्टबिन में फेंक देते हैं, डस्टबिन सामने है। क्या क्या कर रहा है मेरे उठने से, ये हाल हुआ पड़ा है।
चलो चलो, वेयर इज द डस्ट बैग? मेरा दिल था कि मैं जाके अलवेक में देखाऊँ कि साईं वगैरह क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या लिया है, बट चाबी नहीं है और गाड़ी को ऐसे खुला छोड़ के नहीं जा सकते। ये शॉप तो बिल्कुल सामने थी जहाँ से मैंने लिया था जूस, अब वो जब आएंगे तभी लगेगा पता। अब जो मिलेगा खा लूँगी, क्योंकि पानी पी के ना लिक्विड इनटेक कर करके उल्टी जैसा हो रहा है मुझे। या गिर जाएगी।